प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि 20 अक्टूबर को उनके वाराणसी के दौरे में सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टेडियम के फेज 2 व फेज 3 का उद्घाटन प्रस्तावित है। इससे पहले पीएम मोदी 2023 में फेज 1 का उद्घाटन कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास 325.65 करोड़ की लागत से हुआ है। स्टेडियम की इमारत गृहा के मानक के अनुसार बनाई गई है। स्टेडियम निर्माण से 20 से अधिक खेलों को खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अब वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी व सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल का हब बन रहा है। एक ओर जहां खेल के मूलभूत ढांचे को सुधारने के साथ खिलाड़ियों को अच्छा माहौल भी मिला है, वहीं दूसरी ओर इससे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदकों की संख्या भी बढ़ी है। इस स्टेडियम में निर्माण से पूर्वांचल की मिट्टी से अब और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेंगे। स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि 3 फेज में डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास हुआ है। स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर दोनों सुविधा रहेगी।